हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ भेलपूरी, तो चलिए उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए हम सामान ले लेते हैं। दो टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, थोड़ी सी मूंगफली और दो प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है, और कुछ मसाले, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, 1 टेबल स्पून। और एक कटोरी मैंने बड़ा मुरमुरे ले लिए हैं। अब एक पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, इसको हम गर्म करेंगे। और यह ऑयल गर्म होने के बाद ये मुरमुरे इसमें डालकर हम थोड़ा सा इनको भून लेंगे। ये भुनने से बहुत और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इसको हल्का सा हम भून लेंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हमें गैस को ऑफ कर देंगे। और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये मुरमुरे ठंडा करने होने के बाद अब इसमें हम और सामान ऐड करेंगे। तो इसमें हम ये भुनी हुई मूँगफली इनमें ऐड कर देंगे, और प्याज, टमाटर, इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही जो मसाले हमने लिए थे वो भी इसमें डाल लेंगे, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, ये मैंने घर का बनाया हुआ है, और काला नमक 1/2 टेबल स्पून, और नमक स्वाद अनुसार आपने लीजिए। और मिर्च भी आप अपना अनुसार डाल लीजिएगा, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और इनको हम मिक्स कर लेंगे। आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने अवॉइड कर दिया है। अब इसमें मैं नींबू का रस और ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको सर्व करेंगे। इसमें सर्व करते हुए मैं ऊपर से इसमें सेव डाल रही हूँ और कुछ धनिया पत्ती। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।